जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमआई के बारे में। ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसी में एक गोल सी के भी बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ईएमआई आपने नाम सुना है, ईएमआई होता क्या है कोई बताएगा? बोलिए, ईएमआई के बारे में कोई बताएगा कि ईएमआई क्या होता है? देखिए, ईएमआई का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि जितने भी महंगे प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो महंगा प्रोडक्ट 5 लाख रुपए का ही क्यों ना हो, वो प्रोडक्ट आपके पास भी आ सकता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपके पास भी आ सकता है, लेकिन उसका रीजन ये है कि उसमें से आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, और कुछ पैसा जो बचेगा वो कंपनी छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट आपको बनाएगी, उसी इंस्टॉलमेंट को आप जमा करेंगे, उसी को हम ईएमआई के नाम से जानते हैं। जैसे महंगे से महंगे फोन आ रहे हैं, फिर भी अगर हमारी च्वाइस है कि हम महंगे दाम का फोन खरीदें, तो कंपनी ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं दे रही है, आपको दे रही है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, वो पैसा आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करवा रही है, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये जब फेस्टिवल वगैरह आता है तो इसका बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलता है देखने को। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई फेस्टिवल आया, दीपावली का फेस्टिवल, इस केस में ये कार का बाजार लगा हुआ है कि आप जो है कार खरीदिए डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए पे। कितने लाख रुपए पे? 3 लाख रुपए पे डाउन पेमेंट पे आप कार खरीदिए, और शेष पैसे की कंपनी क्या करती है कि ईएमआई बना देती है। पर महीने आपको पैसा छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। तो इससे दो फायदा होता है, एक तो आपके लिए फायदा ये है कि वो पैसा अगर आप एक बार में नहीं दे पाए तो वो छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट करके आप जमा कर सकते हैं, और कंपनी के लिए फायदा ये होता है कि कंपनी उस पैसे में ब्याज भी कमा लेती है। बोलिए, सही है कि गलत है? जैसे मान के चलिए आज नॉर्मल तरीके से अगर बात किया जाए, तो अगर आप किसी से 10,000 रुपया उधार लेते हैं तो उसको भी 5% ब्याज में आपको रिटर्न करना होता है। क्यों? अगर 5 साल बाद वापस करने जाएंगे तो 10 का 10 से वापस करेगा, वो कहेगा कि ब्याज इसका जोड़ के लाइए। तो कंपनी अगर आपको 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट देगी तो क्या वो आपसे ब्याज नहीं लेगी? तो सारे कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कार की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैंने सुजुकी कार का स्विफ्ट डिजायर कार मैंने लिखा हुआ है, अल्टो कंपनी का भी कार होता है, हुंडई कंपनी का भी कार होता है, बोनांजा, मतलब तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो कार को क्या करती है, बनाती है और कार को सेल करती है। लेकिन सारे कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर सुजुकी कंपनी का कार है तो वो आपको 8% ब्याज ले रही है, तो हो सके कि कोई उससे भी कंपनियां वो भी 8% ले, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ब्याज तो आपको देना ही देना है, क्योंकि ब्याज ही तो बेनिफिट है उसका कंपनी का, दूसरा कोई तो ऑफर है नहीं। अगर महंगे दाम का प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है और ब्याज का भी पैसा अगर वो न कमाए तो फिर उसको बिजनेस करने का कोई मतलब है? तो कैश अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसमें बहुत कम ही आमदनी होती है, क्योंकि उसमें कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। और वही ईएमआई पे अगर प्रोडक्ट ले लिया जाता है तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट तगड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पैसा आपको एक ही बार देना था वही पैसा आप दे रहे हैं किस्तवाइज। तो कह रहा है कि किस्तवाइज अगर हम ले रहे हैं तो इसमें 8% हमको ब्याज भी चाहिए। तो वही हम निकालना सीखेंगे कि एक महीने का कितना पैसा हम निकालेंगे, एक महीने का कितना पैसा हम कंपनी को पे आउट करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर ईएमआई के बारे में आपको जानकारी ना हो तो आप एजेंसी में चले जाएंगे, कोई सामान खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने चले गए, तो पता ये चलेगा कि ईएमआई बनेगा 3,000 रुपया और आपसे गलती से 7,000 रुपया हर महीने आपसे चार्ज करता रहेगा। ये ईएमआई के बारे में समझना बड़ी जरूरी होता है, क्योंकि ईएमआई की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है ना, हो सके कि आपके पापा अगर गाड़ी लेने वाले हों तो उनके साथ आप जाएंगे, तो ईएमआई के बारे में आपको पता रहेगा तो आप आसानी तरीके से कॉपी पे उसको निकलवा करके समझ सकते हैं कि हमको पर महीना पैसा कै रुपया देना। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो आज बहुत सारा ऐसे कंपनी वाले चीटिंग आपसे कर रहे हैं, अमाउंट कुछ और है, जमा कुछ और करवाएंगे, इंस्टॉलमेंट कुछ और बनेगा, ज्यादा पैसा आपसे इंस्टॉलमेंट जमा करवा के और कुछ अपने जेब में और कुछ कंपनी के जेब में चला गया, अगर आपको ईएमआई के बारे में पता नहीं रहेगा तो।
इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो हम कैसे इसमें ज्ञात करेंगे, तो जैसे मैंने एक टेबल बनाया है उसमें मैंने प्रोडक्ट लिखा है, उसका मैंने रेट लिखा है, उसका डाउन पेमेंट लिखा है, उसका लोन अमाउंट लिखा है, उसका ब्याज लिखा है, उसका मंथ लिखा है और उसका ईएमआई निकालना है। देखिए, एक प्रोडक्ट है कार जिसका रेट है क्या, लाख रुपया, 8 लाख रुपया। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में, सुजुकी कंपनी नहीं है, कंपनी में आप पता करने गए कार के बारे में कि भैया ऐसा है कि हमको एक कार लेना है, तो बताएगा ना कि मैक्सिमम इसका प्राइस इतना रुपया है, तो पहले बैठाएगा आपको, कहेगा कि भैया आप कौन सा कार लेना चाहते हैं, तो चूंकि आप पसंद करेंगे ही करेंगे, तो मान के चलिए कि आपका पसंद आ गया स्विफ्ट डिजायर की कार, तो आप उसका रेट पूछेंगे ना कि भैया कई रुपए का पड़ेगा, तो दुकान वो कस्टमर सेल्समैन आपसे बताएगा कि इसका प्राइस 8 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया, 8 लाख रुपया। लेकिन अगर आप ईएमआई में देना चाहते हैं तो चलिए फेस्टिवल ऑफर आया है कि 3 लाख रुपया जमा करिए और कार को घर लेके जाइए, 3 लाख रुपया जमा करिए और कागज पत्र जमा करिए और कार को घर लेके जाइए, तो शेष पैसे का पूछेंगे ना कि शेष पैसा हमको कैसे जमा करना है, तो वो क्या करेगा कि 8 लाख में से 3 लाख रुपया क्या करेगा, माइनस करेगा। तो जैसे इक्वल करेंगे और यहाँ पे 8 लाख को सिलेक्शन करेगा और माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 लाख को सिलेक्शन करेगा, तो उसका अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपया। ये 5 लाख रुपया ये कंपनी के ऊपर आपका क्या है, बकाया राशि जो आपको पैसा पे करना है। तो कंपनी आपको टाइम देगा कि 60 महीने का हम आपका इंस्टॉलमेंट बना दे रहे हैं, 60 महीने में पैसा थोड़ा थोड़ा करके पे आउट करते रहिए, जिससे दिक्कत आपको भी ना हो और जिससे दिक्कत हमको भी ना हो। भाई थोड़ा थोड़ा पैसा रहेगा तो आप जमा कर देंगे, और एक ही बार 15 लाख 15 हजार सुना दे तो कहां से जमा कर पाएंगे, इसलिए कम कम पैसा इंस्टॉलमेंट हम आपका बना देंगे, उसी पैसे को ला करके आप क्या करिएगा, जमा करते रहिएगा। तो इस बार तो ऐसी भी व्यवस्था हो चुकी है, ईएमआई जमा करने के लिए आपको एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही कंपनी क्या कर रही है, आपसे बैंक वाला बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी ले ले रही है, आपका आधार जमा हो जा रहा है, आपका पैन कार्ड जमा हो जा रहा है, आप पैसा लेने के लिए वो तगादा नहीं करेगा, आपके अकाउंट से वो काटता जाएगा, बैलेंस मेंटेन रखिए, वो डेट आने पे वो डेट से क्या कर लेगा अपना, काट लेगा पैसा अपना, जितना ईएमआई का बना हुआ है उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं काटेगा, उससे एक्स्ट्रा पैसा तब काटेगा जब आपका ईएमआई लेस होगा, लेस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हमको 8 जनवरी का किस्त जमा करना है और हमारे खाते में पैसा ही नहीं है, हम जमा कर रहे हैं 30 जनवरी को, तो क्या वो ब्याज नहीं जोड़ेगा, वो अलग से ब्याज जोड़ता है, फिर ज्यादा पैसा आपका काट लेगा। इसलिए कंपनी ने ऑफर दिया है कि 3 लाख रुपए दे के आइए, 3 लाख रुपए लेके आइए और कार को घर लेके जाइए, और शेष जो आपका है बनेगा पैसा, उसका हम छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बनवा देंगे, आप आसानी तरीके से जमा करते रहिए। तो वो सेल्समैन बताएगा अपने कस्टमर को, चूंकि देखिए जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि कस्टमर को ये जानना है कि ये जो 5 लाख रुपया देंगे, ये 5 लाख रुपया 60 महीने में हमसे 5 लाख रुपया लेंगे कि कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे, तो वो कंपनी का सेल्समैन बताएगा कि भैया देखिए अगर हम आपको 8 लाख रुपए की संपत्ति दे रहे हैं और 5 लाख रुपया पेंडिंग लग रहा है, तो इस पे तो ब्याज भी तो बनती है, तो ये बोलेगा कि हमारी कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि 8% कस्टमर से ब्याज लेना, तो 8% ब्याज आपको जोड़ के तब पैसा देना होगा। तो आप बताइए कि अगर ये 8% ब्याज जोड़ करके पैसा जमा करेंगे तो ये 50,000 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, हाँ? तो जैसे ये 5 लाख रुपया पे जो आपका 8% ब्याज लगेगा तो पैसा आपको देना होगा ना, तो ये 5 लाख से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आपका 8% ब्याज का भी पैसा जुड़ा हुआ है, और कंपनी ने हमें टाइम कितने महीने का दिया, 60 महीने। अब ऐसा नहीं कि कुछ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कह करके बन जाता है, सही है, लेकिन कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मंथ को सेलेक्ट करती है, ईएमआई आपका बनेगा 60 महीने का, उससे कम तो उससे कम बनेगा लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको निकालना होता है ईएमआई, और ईएमआई निकालने का जो फार्मूला होता है वो है आपका पीएमटी, और पीएमटी का पूरा नाम होता है पर मंथ अमाउंट जो आपको पैसा पे करना है। इस ईएमआई को जो आप निकालेंगे तो इसमें आपका ब्याज का भी पैसा जुड़ा रहेगा और प्लस आपका मूलधन का भी पैसा जुड़ा रहेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए
सबसे पहले तो हम इक्वल करेंगे, मैंने बताया भी था एक्सेल में कोई भी फार्मूले सॉल्व करने से पहले इक्वल लगाते हैं, और यहां पे लिखेंगे पीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में कोई भी फार्मूले आप सॉल्व करते हैं वो नीचे विंडो में आपको बताता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेक्शन क्या करना है। तो इसमें पहले आपसे पूछा जा रहा है रेट, तो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज का पैसा, ब्याज को आप सिलेक्शन करिएगा, इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करना है। और चूंकि डिवाइड करना है 12 से, इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और निकालना मात्र आपको एक ही महीने का है ना, तो इसलिए सबसे पहले डिवाइड करिएगा कितना से, 12 से। चूंकि एक महीने का जब निकल जाएगा तो 60 महीने का तो आप पता कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई करके। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब, इसका पूरा नाम होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने समय कितना दिया, 60 महीने। तो 60 महीने को सिलेक्शन करिएगा, पुनः नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे लोन अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, और यहाँ पे टाइप में एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं, वैल्यू हमारा एग्जैक्ट आया है इसके लिए हम एक ले लेते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। 10,138 रुपया 21 पैसा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक बार और बता दें, एक बार और बता दें, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है, और यहां पे लिखना है पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूरे मंथ को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करने के बाद लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कामा करके एक दे देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब चलिए ये अमाउंट आपका आ गया 10,138 रुपया 21 पैसा। कितने महीने का? 60 महीने का। एक इतना कम में काम चल जाएगा, महीना 1 महीने में इतना पैसा आपको देना है, 10,138 रुपया 21 पैसा। लेकिन ये पैसा हमारा डॉलर में आता है, इस डॉलर से चेंज करने के लिए, चूंकि हमको नंबर में चेंज करना है ना, तो सिलेक्शन करके और यहाँ पे नंबर वाले पॉइंट पे क्लिक करिएगा। इसमें आप केवल आप नंबर सिलेक्शन करिएगा, इसमें आपको केवल नंबर ले लेना है, ये वाला नंबर, और देन ओके कर लीजिएगा, ये नंबर में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 महीने में पैसा आपने दिया 10,138 रुपया 21 पैसा, तो 60 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 60 महीने का जो रेशियो आएगा इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 10,138 रुपया 21 पैसा। सिलेक्शन मत करिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है? और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, अगर 1 महीने में 10,138 रुपया 21 पैसा दे रहे हैं, तो 60 महीने का निकालने के लिए गुणा करेंगे, तो आपको बता देगा कि ये अमाउंट आपका आ गया 6,08,292 रुपया 60 पैसा। सोचिए, समझ समझ में आया, फायदा है ना ईएमआई पे सामान खरीदने में? बोलिए। अच्छा, कंपनी को फायदा है। हाँ, ₹8% कितना ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख का? तो ऐसे ही तो निकलेगा, क्या दिक्कत है? सर 5% का निकालेंगे, 8% 8% का मैंने निकाला है। सर 8% के हिसाब से 40,000 हो रहा है। 40,000 होगा, 40,000 हो रहा है। तो मोबाइल से नहीं जोड़ना है, ये एक्सेल की फार्मूला है, बैठ जाओ। नहीं, ये एक्सेल में जाके ट्राई करना तुम लोग, मोबाइल से अलग होगा, ये इससे जोड़ना है, एक्सेल से निकालना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका 6,08,292 रुपया 60 पैसा आ गया, जिसमें कितना हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं इसको तो जांच करना होगा ना। तो हमको पैसा देना था मात्र 5 लाख रुपया, और हम दे रहे हैं 6,08,292 रुपया। तो शेष जो पैसा बचेगा इसमें से माइनस करने के बाद, वही पैसा हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, ब्याज के तौर पे दे रहे हैं। कितने महीने में? 60 महीने में ये पैसा हम ब्याज दे रहे हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए, और यहां पर लिखिए 6,08,292 रुपया.. आपको 6 लिख लेना है, और माइनस करिएगा कितना से, 5 लाख रुपए से। 1, 2, 3, 4, 5 एंटर करिए, यानी कि 1,08,292 रुपया ये कंपनी को आप ब्याज के तौर पे दे रहे हैं पैसा। कितने महीने में? 60 महीने। अब देखिए एक चीज और समझिए आप, जैसे ये कंपनी का रूल होता है, जितना आप ईएमआई ज्यादा मात्रा में बनवाएंगे,
उतना ब्याज आपका कम देना पड़ेगा, और जितना ईएमआई आप कम बनवाएंगे उतना ब्याज आपको ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कंपनी को आप दे रहे हैं 10,128 रुपए 21 पैसा पर महीना, तो टाइम कितने महीने का लग रहा है? 60 महीने का। अगर यही पैसा अगर आप 15,000 रुपया देंगे तो मंथ आपका घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो जब मंथ घटेगा तो अमाउंट आपका बढ़ेगा, और जब अमाउंट आपका घटेगा तो मंथ आपका बढ़ेगा। तो जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज का पैसा भी बढ़ेगा, और जब मंथ घटेगा तो ब्याज का पैसा भी घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए यहाँ पे एक टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टोटल अमाउंट, क्या लिखना है? टोटल अमाउंट, और यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटरेस्ट अमाउंट, क्या लिखना है? इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट आप कितना जमा कर रहे हैं और जिसमें से आपको जो है ब्याज का पैसा आपको कितना देना पड़ रहा है, तभी तो अलग अलग निकालेंगे तो समझ में आएगा। तो ब्याज वाला पैसा अलग हो जाएगा और टोटल वाला पैसा अलग हो जाएगा, यानी कि ब्याज मैंने जो दिया है 108,292.6, यही हो तो हमारा ब्याज का पैसा है कितने महीने में? 60 महीने में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए अब आपको निकालना है, जैसे एक अगला टॉपिक यहाँ पे दिया है गोलसिक के बारे में। अब गोलसिक का क्या प्रयोग? जैसे मान के चलिए अभी तक तो हमारे पास 10,138 रुपया होता रहा तो मैं कंपनी को पेमेंट करता रहा, लेकिन कंपनी में अगर हम गए हैं तो मान के चलिए कि ईएमआई जब तक हम निकलवाएंगे नहीं तब तक हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे? तो मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि नहीं, इतना ज्यादा ब्याज हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, हमको कंपनी को बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, कुछ ऐसा ट्रिक्स बताइए जिससे कि हम ब्याज कम ही आपको दें। तब वो क्या करेगा? दो टेबल अलग अलग बनाएगा, कहेगा तब चलिए आपका अमाउंट जो है, नहीं देखिए जैसे मान के चलिए कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम होगी तो 10,128 रुपया वो कहां से जमा कर पाएगा? अगर कम पैसा रहेगा तो वो कम का इंस्टॉलमेंट बनवाएगा, और मान के चलिए कि हर हमेशा कम नहीं रहेगा, हो सके कि किसी महीने में उसके पास ज्यादा पैसा में आमदनी होने लगा, तो वो ज्यादा पैसा देकर के वो क्या करेगा? अपना लायबिलिटी खत्म करने की कोशिश करेगा। तो एक हम निकालेंगे कम के बेस पे और एक हम निकालेंगे ज्यादा के बेस पे। जैसे मान के चलिए कि इसी टेबल को हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर ले रहे हैं, देखिए पेस्ट कर ले रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए कंपनी ने अपनी हेल्प के लिए 10,138 रुपए 21 पैसे इनको बता करके बताया है कि इतना आपको मंथली जमा करना है, लेकिन ये भी अपना व्यवस्था देखेंगे ना, पता चले कि इनके पास इतना व्यवस्था है ही नहीं है तो कंपनी को पैसा कहाँ से देंगे? तो एक चीज समझिएगा, कंपनी चाहे आप छोटा किस्त दे दीजिए चाहे बड़ा किस्त दे दीजिए, मतलब उससे नहीं, कंपनी को तो पैसा लेना ही लेना। ऐसा थोड़ी ना कि आप जाकर के कहेंगे कंपनी वाले से ऐसा है कि हमारे पास 10,000 रुपया नहीं हो पा रहा, रहने दीजिए और हम पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, ऐसा है क्या? तो कंपनी उसमें भी दिमाग लगाएगी, चलिए तब आपका इंस्टॉलमेंट हम छोटा कर दे रहे हैं, छोटा इंस्टॉलमेंट रहेगा तो भी आप जमा कर दीजिएगा। तो अब एक चीज समझिए, अगर पैसा कम होगा तो मंथ हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जो पैसा हम 60 महीने में 10,000 दे रहे हैं वही पैसा अगर हम कम कम देंगे तो मंथ हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिएगा, और उसके बाद से आप चलिएगा डाटा टैब में, कहां पे आना है? डाटा टैब में, और यही पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसी पे क्लिक करना है। देखिए इसमें कहीं गोलसिक दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट सेल में ऑटोमेटिक हमने क्या सिलेक्शन किया है? ईएमआई को, और यहाँ पे टू वैल्यू में आ जाइए, मतलब कंपनी को पैसा देना था 10,138 रुपया 21 पैसा, लेकिन अब हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, अब हम कम कम पैसा देना चाहते हैं। अब कितना कम? तो इसको आप ब्रेकेट में लिखिएगा अमाउंट, किसमें लिखना है? ब्रेकेट में। इसमें हम कंपनी को देना चाहते हैं मात्र 7,000 रुपया, कितना देना चाहते हैं? हर महीने हम कंपनी को पैसा पेमेंट करें कितना रुपया? 7,000 रुपया, और ब्रेकेट यहाँ से क्लोज करिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, इसमें आप सिलेक्शन कर लीजिएगा मंथ और ओके करिएगा। इतना ज्यादा क्यों आ रहा? क्योंकि पैसा कम रहेगा तो मंथ आपका बढ़ेगा, और पैसा ज्यादा रहेगा तो मंथ आपका घटेगा। अब चलिए यहाँ से दशमलव को डिक्रीज करने के लिए, यहाँ से आप दशमलव को डिक्रीज कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए तो दशमलव को जब डिक्रीज करते हैं तो एक अंक में प्लस हो जाता है ना, जैसे 97 है तो 97.32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक पॉइंट जुड़ जाता है, यहाँ पे इसको हटाइए, देखिए ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से भी हटाना है तो यहाँ से भी हटा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि दशमलव के बाद कोई अक्षर का कोई मतलब नहीं होता। अब चलिए यहाँ पे आप दे रहे हैं आप कितना पैसा, 7,000 रुपया कै महीना, 97वें महीने। तो ब्याज घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखिए 7,000, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 97 से। अब एंटर करिए, अब देखिए कितना बेनिफिट है, अब देखिए कितना बेनिफिट आपको दिखा रहा है। अगर आप 7,000 रुपया पर महीना पेमेंट करते हैं तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 6,79,000 रुपये। तो इससे कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पैसा कम जमा कर रहे हैं तो मंथ ज्यादा लग रहा है, वही पैसा ज्यादा जमा करते तो मंथ कम हो जाता। अब इसमें कितना पैसा आप दे रहे हैं तो इक्वल करिए और यहाँ लिख लिए 6,79,000 माइनस करेंगे कितना, 5,00,000 रुपये। अब ये देखिए कितना ब्याज का पैसा आप दे रहे हैं, 1,79,000। इसमें 1,08,292 था तो कुछ चलने वाला था, इसमें उससे भी ज्यादा निकल गया। तब कस्टमर परेशान होगा। ऐसा है कि एक बात बताइए, अब कुछ ऐसा ट्रिक बताइए ताकि जल्दी जल्दी हम कटा दें, इसको खत्म कर दें। कौन इतना टेंशन लेके चलेगा? और कोई भी ये कंपनी का लायबिलिटी लेके चलना नहीं चाहता, क्योंकि मान के चलिए कि कंपनी को पैसा आपको देना ही देना है, चाहे आप थोड़ा सा दीजिए चाहे ज्यादा दीजिए, मतलब उससे नहीं, ब्याज तो कंपनी लेगा ही लेगा। क्या आप ज्यादा पैसा देंगे तो ब्याज कंपनी नहीं लेगा? बोलिए, उसमें भी ब्याज आपसे लेगा, लेकिन वही है कि जो आप ब्याज 97 महीने में दे रहे थे वो ब्याज आपको कम महीने में आपको देना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक तो मैंने बता दिया कम अमाउंट पे, अब आपको निकालना है कितने अमाउंट पे, ज्यादा अमाउंट पे। तो जब आपको ज्यादा अमाउंट पे निकालना होगा तो पुनः इसी डेटा को एक जगह और कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेम तरीका, सिलेक्शन करिए, कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे लाके पेस्ट कर दीजिए। जब दूसरे लोकेशन पे लाके पेस्ट करिएगा तो सेम तरीके से करना, सबसे पहले क्या करना है, ईएमआई को सिलेक्शन करना है और डाटा टैब में जाना है, डाटा टैब में जाना है और यहाँ पे आपको वाट एनालिसिस में आना है, इसमें आपको गोलसिक पे आना है। अभी आप कंपनी को मात्र 7,000 रुपया दे रहे हो, अब मान के चलिए कि पैसा आपके पास ज्यादा हो गया तो कोई भी चाहता नहीं कि हमारे ऊपर कर्जा ज्यादा मात्रा में रहे, उसको हमेशा हटाना चाहता है। तो अब जो अमाउंट आप पे आउट करेंगे तो मान के चले कि आप 7,000 नहीं, अब आप कंपनी से कह देंगे कि नहीं कंपनी हमको आपको 30,000 रुपया पर महीना देना है। यहां से ब्रेकेट क्लोज करिए, अब यहां पे आ जाइए बाई चेंजिंग सेल में, इसमें आपको ले लेना है मंथ, अब ओके करिए। क्या समझ में आया, मंथ घटा तो पैसा आपका बढ़ गया, मंथ आपका बढ़ा तो पैसा आपका घट गया, और ये तो नॉर्मल था ना। जब कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी वो कहेगा कि रहने दीजिए हमको यही वाला ऑप्शन बताइए, यही वाले ऑप्शन से हम क्या करेंगे, अपना गाड़ी परचेज करेंगे। अदरवाइज जो है ब्याज में भी तो चेंजिंग हो रहा है, तो ब्याज में भी चेंजिंग हो रहा है, वो 8% दिखा रहा है जीरो, क्या चीज, अरे यार तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम 8% ये 97 महीना दे रहे हैं ना, अभी 8% हमको 18 महीना देना है ना, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ लगेगा, अब ये नहीं कि 8 से घट के 5 आ जाएगा, मंथ आपका घटेगा तो ब्याज नहीं घटेगा। आप खुद सोचिए, आपने किसी से उधार पैसा ले लिया, आपने किसी से उधार पैसा ले लिया तो अगर आप उसको 5 साल बाद देंगे तो ऐसा नहीं कि 20% आपसे जोड़ेगा, उतना ही जोड़ेगा लेकिन उसका अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा आप लंबे डेट पे लेके जा रहे हैं जमा करने के, तो ये समय की बहुत बड़ी ऑप्शन होती है। जब मंथ बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जब मंथ घटेगा तो इंटरेस्ट भी आपका घटेगा। अब इसमें देखिए दोनों की अपेक्षा अगर हम इसमें देखेंगे तो ब्याज हमारा कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि महीना 18 महीना लग रहा है। अब चलिए ट्राई करते हैं, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ लिखिएगा 30,000 और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 18 से, और एंटर करिए। ये अमाउंट आ गया आपका 5,40,000 रुपया। अब ब्याज वैसे आपका दिख रहा है, देखिए 40,000 रुपया एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं। 40,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समय कम लग रहा है, कंपनी ने आपको टाइम कम दिया। इसलिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करिए तो आप ये सोचिए कि ईएमआई आपका ज्यादा मात्रा में बने, जब ज्यादा मात्रा में बनेगा तो ब्याज का पैसा आपको कम देना पड़ेगा। कम का मतलब अब ये नहीं कि 8% लग रहा है तो 5 देना पड़ेगा, 8 ही% देना पड़ेगा, लेकिन जो ईएमआई आप 97 महीना देंगे वो ईएमआई आपको 18 महीना देना पड़ेगा। इसलिए जो समय घटेगा तो इंटरेस्ट भी घटेगा, समय बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नहीं, इंटरेस्ट का ही पैसा मैं बता रहा हूँ,
अमाउंट तो जैसा 5 लाख तो देना है, तो 5 लाख आपको देना ही देना है। इसमें अमाउंट आप 40 लाख रुपया 40,000 रुपया दे रहे हैं ब्याज के तौर पे, 40,000 ही है ना, और इसमें 79,000 और इसमें ब्याज का पैसा 1,08,292 रुपया। तो चेंजिंग किसमें हो रहा है? इंटरेस्ट में तो हो रहा है, अमाउंट में थोड़ी ना कोई चेंजिंग होगा। अमाउंट तो उतना तो आपको कंपनी को देना ही देना है, वो आज नहीं तो कल आपको देना ही देना है, चाहे वो मंथ आप 2 ही महीना का क्यों ना बनाओ, कोई दिक्कत। यही फार्मूले में सीखना था, लेंदी है फार्मूला। चलिए लिख लीजिए इसको, फार्मूला लिख लीजिए। गुणा मत करिएगा, ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करिएगा। अब ये नहीं कि इससे मल्टीप्लाई करके तब लिखिएगा, तब वैल्यू गलत आ जाएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा है।